दोस्तों, कुत्ते पालने का शौक़ बहुत से लोगों को होता है। बहुत से लोग कुत्ते को पालते और अपने घर का सदस्य बनाकर रखते हैं। अगर हम वफादारी की बात करें तो सबसे पहला नाम कुत्ते का ही आता है। वैसे तो कुत्तों की अनेकों नस्लें पाई जाती है, लेकिन कई नस्लें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने खतरनाक है वो पल भर में किसी की जान ले सकते हैं, इसीलिए कई देशों में इन कुत्तों को बैन किया गया है। आज हम आपको ऐसे ही 10 खतरनाक कुत्तों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इनमें ग्रेट डैन, बॉक्सर, जर्मन शेफर्ड, पेटबुल जैसे डॉग्स शामिल है। नंबर 1 पर आता है पेटबुल। दोस्तों, पेटबुल प्रजाति के कुत्ता सबसे ज़्यादा खतरनाक और हमलावर नस्ल का होता है। दुनिया भर में इस कुत्ते को पालने पर कई देशों में बैन लगा हुआ है। हालांकि अमेरिका सहित कई देशों में पेटबुल को आज भी पाला जाता है, लेकिन इनके हमले को रोकने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। साल 2015 में सिर्फ अमेरिका में पेटबुल के हमले से 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसका वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है। नंबर 2 पर आता है जर्मन शेफर्ड। यह कुत्ता पुरुषिया कुत्ते के रूप में पहचान बना चुका है। जर्मन शेफर्ड दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है। यह लोगों को 108 किलो के दबाव से अटैक करता है, जिसके बाद बच पाना मुश्किल होता है, जबकि इसका वजन 30 से 40 किलो के बीच ही होता है। कई देशों में इसे पालने पर भी बैन लगा दिया गया है। नंबर 3 पर आता है रोटवेलर। रोटवेलर जर्मनी में कुत्तों की एक नस्ल है। इस प्रजाति के कुत्ते शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत ही तेजी से किसी को काटने में माहिर होते हैं। साल 2014 में अमेरिका में रॉटवेलर के काटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये 1460 न्यूटन यानी 148 किलो के दबाव से किसी को काटता है। इसका वजन 35 से 48 किलो के बीच होता है। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका देशों में इसे पालने पर बैन लगा हुआ है। नंबर 4 पर आता है डाबरमैन पिंचर। दोस्तों, इस प्रजाति के कुत्ते भी पुलिसिया डॉग होते हैं, लेकिन आम लोग भी इसे घर पर पालने लगे हैं। ये खतरनाक कुत्ते अजनबी लोगों को देखते ही उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अक्सर अपने मालिक को देखकर शांत हो जाते हैं। इसका वजन 34 से 45 किलो के बीच होता है। इसको भी कई देशों में बैन किया गया है। नंबर 5 पर आता है बुल मास्टिक। बुल मास्टिक कुत्ता हमलावर स्वभाव का होता है, जिसके पैर बहुत ही लंबे होते हैं। इस प्रजाति के कुत्ते का वजन 55 से 60 किलो के बीच होता है। नंबर 6 पर आता है मालाम्यूट। दोस्तों, इस प्रजाति के कुत्ते उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। आकार में भेड़िया के समान दिखने वाला मालाम्यूट का वजन 34 से 49 किलो के बीच होता है। इस प्रजाति के कुत्ते इंटेलिजेंट होने के साथ साथ एनर्जी और हमले से भरे होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की स्टडी के अनुसार 1960 से 1980 के बीच इस कुत्ते के काटने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। नंबर 7 पर आता है वॉल्फ हाइब्रिड। दोस्तों, कुछ डॉग्स की प्रजातियां ऐसी होती है जो भेड़िया और कुत्तों के संकरण से बनी है। एक ऐसी प्रजाति वॉल्फ हाइब्रिड है। अमेरिका के कई देशों में इस प्रजाति के कुत्तों को पालने पर बैन लगा है, क्योंकि यह किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। आंकड़ों की माने तो 1979 से 1998 के बीच इस प्रजाति के कुत्तों के काटने से अमेरिका में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका वजन 36 से 55 किलो के बीच होता है। नंबर 8 पर आता है बॉक्सर। इस प्रजाति के कुत्तों को शिकारी कुत्तों के वंशज कहा जाता है। ये अपने मजबूत जबड़े से किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। ये कुत्ते सुरक्षात्मक नस्ल के होते हैं। इसकी पहचान अड़ियल कुत्तों के रूप में भी है। इसका वजन 30 से 32 किलो के बीच होता है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर आता है हस्की। हस्की प्रजाति के कुत्ते खतरनाक होने के साथ साथ बेहद इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें स्लेज डॉग के रूप में भी जाना जाता है, जो बिना पहिए की गाड़ी को बर्फीले मैदानों में खींचने में माहिर होते हैं। ये जब अटैक के मूड में होता है तब किसी की भी जान ले सकता है। इस प्रजाति के कुत्ते के कारण अमेरिका में 1979 से 1993 के बीच 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका वजन 20 से 27 किलो के बीच होता है। नंबर 10 पर आता है किलिंग मशीन डॉग। दोस्तों, इस खतरनाक कुत्ते की लिस्ट में नंबर 10 पर है किलिंग मशीन डॉग। अगर इस प्रजाति के कुत्तों को सही तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए तो ये बहुत ही सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन पालतू जानवर साबित हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के अभाव में ये बेहद खतरनाक हो जाते हैं। इसी कारण
से इन्हें क्लिंग मशीन के रूप में भी जाना जाता है। इसका वजन 54 से 90 किलो के बीच होता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि इन कुत्तों को घर में पालने के लिए आपकी क्या राय है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।